भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अलवर उत्तर की जिला कार्य समिति बैठक गेस्ट हाउस टपुकड़ा में मोर्चा के जिलाध्यक्ष इंजीनियर सदरुद्दीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सहरुद्दीन ने बताया कि इस मीटिंग के मुख्य अतिथि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हमीद खान मेवाती व अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष व जयपुर संभाग प्रभारी जावेद कुरैशी रहे। इस अवसर पर भाजपा अलवर जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष चित्रा शर्मा, टपुगड़ा मंडल अध्यक्ष ओमबीर चौहान, संदीप मेघवाल, ओबीसी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनोज यादव, सालिम हुसैन, दरगाह कमेटी सदस्य सपात खान, अनूप यादव विशिष्ट अतिथि रहेंगे। मीटिंग की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा श्याम प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण कर की गई। इसके बाद मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। मीटिंग में मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हमीद खान निवाती ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक हितार्थ चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया एवं योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया तथा आगामी चुनावों में भाजपा का कमल खिलाने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम बनाकर बूथ स्तर तक घर घर जाकर संपर्क करने की बात कही। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष व जयपुर संभाग प्रभारी जावेद कुरैशी ने अपने संबोधन में पार्टी की विचारधारा के बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत कराया तथा भाजपा में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की बात कही। जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं से विस्तार से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया तथा कहा भाजपा में परिवाद नहीं चलता, पार्टी में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का पार्टी सम्मान करती है और संगठन में आगे बढ़ने का मौका देती है तथा कार्यकर्ताओं को साथ लेकर काम करती है। पूर्व राष्ट्रीय मंत्री सालिम हुसैन ने ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक लोगों को पार्टी से जोड़ने पर जोर दिया जिससे पार्टी को मजबूती प्रदान की जा सके। मंच संचालन अल्पसंख्यक मोर्चा अलवर के जिलाध्यक्ष इंजीनियर सहरुद्दीन ने करते हुए कार्यक्रम के अंत में सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त किया।